तो भाइयों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं उन बाइकों का जो कि माइलेज का बाप मानी जाती हैं। तो वीडियो के शुरू में आपको कुछ ऐसे मेजर डिफरेंस के बारे में मैं बता दूंगा कि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि आपको सीटी सीरीज़ लेनी चाहिए कि प्लेटिना सीरीज़ लेनी चाहिए। तो वीडियो के शुरू में आपको फ्रंट लुक के बारे में दिखाते हैं। तो हेड शो के बारे में बात करें, यहाँ पर मैटिसा देखने को मिल जाता है और यहाँ पर नंबर प्लेट का ऑप्शन भी हमें ऊपर देखने को मिलता है। और LED लाइट्स तो सीटी सीरीज़ में और प्लेटिना सीरीज़ में तो आती है। और इसकी हेडलाइट के बारे में बात करें तो हेडलाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हेडलाइट रोड दी गई हुई है जो कि बहुत ही अच्छी दी गई है। और प्लेटिना की शो के बारे में बात करें तो प्लेटिना की शो हमें वैसे ही सिंपल सी देखने को मिलती है और यहाँ पर कोई मैटिसा नहीं दिया गया हुआ और LED लाइट तो आपको देखने को मिल ही जाती है। और यहाँ पे नंबर प्लेट की बात करें तो नंबर प्लेट हमें यहाँ नीचे लाइट के देखने को मिल जाती है। और नेक्स्ट हम बात करें इसके शोकर के बारे में, तो सिटी 100 के शोकर हमें यहाँ पे कवरिंग देखने को मिल जाते हैं और प्लेटिना सीरीज़ में हमें शोकर की कवरिंग नहीं देखने को मिलती। और अब बात करते हैं हम सिटी सीरीज़ की टायर और मड गार्ड के डिफरेंस के बारे में, जो कि मुझे बहुत ही मेजर डिफरेंस लगा इसमें गैप के बारे में। तो प्लेटिना सीरीज में देखते हैं इतना गैप हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। और अब हम बात करते हैं इसके लेग गार्ड के बारे में। यहाँ पे प्लेटिना में हमें लेग गार्ड बहुत ही छोटा सा दिया गया हुआ है और जो कि सीटी सीरीज में हमें लेग गार्ड बहुत ही सॉलिड हमें मिलता है देख। और अब बात करते हैं इसके टैंक पैड के बारे में। सीटी सीरीज में हमें टैंक पैड यहाँ पे मिलने को देखने को मिल जाता है और प्लेटिना सीरीज में हमें देखने को नहीं मिलता, जो कि 110 सीरीज में हमें टैंक पैड यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाता है। तो भाइयों अब बात करते हैं हम इसके लेग गार्ड के बारे में। तो यहाँ पे हम इसकी फुटरेस्ट के बारे में, तो सीटी सीरीज में हमें फुटरेस्ट राउंड सी शेप में देखने को मिल जाता है और प्लेटिना में हमें फ्लैट देखने को मिल जाता है। और इसकी शोकर के बारे में बात करें तो इसकी शोकर में कुछ कलर सा देखने को मिल जाता है जो कि हमें अट्रैक्ट फील करवाता है और यहाँ पे सिंपल सा ही कुछ कलर नहीं दिया गया हुआ। और इसके बाइक में साइड कैरियर के बारे में बात करें तो बहुत ही सॉलिड दिया गया हुआ है और बिल्ड क्वालिटी में दिया गया हुआ है और प्लेटिना में इतना अच्छा क्वालिटी में नहीं दिया गया और सिंपल सा छोटा सा दिया गया हुआ है, बहुत जो कि फैमिली की लुक की बाइक में बहुत ही प्रीमियम फील करवाता है प्लेटिना के बारे में, तो इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। और इसके साइड में ये लेग फुटरेस्ट के बारे में बात करें तो दोनों साइड दिया गया हुआ है और प्लेटिना में हमें यहाँ पर एक साइड में देखने को मिल जाता है, राइट हैंड साइड में हमें देखने को नहीं मिलता। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे वर्ल्ड ऑफ फायर एंड पे। तो आज हम रिव्यू लेकर आए हैं उन बाइक्स का जो कि माइलेज का बाप मानी जाती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो जो भी हमारे चैनल पे नए आ गए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना मत भूलना। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो प्राइसिंग हालांकि इसमें इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, 2000 के राउंड इसमें मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। प्लेटिना 2000 महंगी है। और हम बात करते हैं इसकी माइलेज के बारे में, तो माइलेज ऑल राउंड दोनों की सेम है और इंजन और पावर भी दोनों की सेम ही है। प्लेटिना में हमें कौन कौन सी सीसीज अवेलेबल देखने को मिल जाती हैं, प्लेटिना में हमें 100 सीसी, 110 सीसीज और H2 हमें देखने को मिल जाते हैं, वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। और सिटी में हमें 110 सीसी और 125 सीसी देखने को मिल जाते हैं। लुक के बारे में, तो लुक हमें कुछ देखने को मिल जाती है दोनों की अलग। प्लेटिना की लुक है थोड़ी फैमिली टाइप और सिटी डिलक्स की जो लुक बनाई है बहुत ही ऑफ राइडिंग माउंटेन सी बाइक सी बनाई है जो कि हमें बहुत ही बल्की फील करवा रही है। इसकी आप शुक्र के बारे में देख सकते हैं, इसकी मरगार्ड और टायर का डिफरेंस देख सकते हैं, इसका लेग गार्ड की बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं, इसके टैंक पैड में देख सकते हैं जो कि हमें बहुत ही, इसका कैरियर देखो कितना सॉलिड बना दिया गया हुआ है जो कि हमें बहुत ही मेजर डिफरेंस फील करवा रहा है। और बैठते सारे हमें ऐसा फील होता है कि यह बहुत ही सॉलिड बाइक है। और प्लेटिना बाइक हमें देखने को मिल जाती है थोड़ी सी फैमिली और रेगुलर बाइक में बारे में, जो कि हालांकि
बहुत ही हमें अच्छी देखने को मिल जाती है। फिर इसका प्रीमियम फील दिया गया हुआ है। इसके शोकर के बारे में बात करें तो इसे कलरफुल हाईलाइट्स शोकर दिए गए हुए हैं। तो अब बात करते हैं इसके हैंडल के बारे में। ये हैंडल हमें क्रोम सा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हमें ग्लोसी सा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो ये रोड दी गई हुई है जो कि हमें बहुत ही अच्छा फील करवाती है, सॉलिड फील करवाती है बाइक बैठने के बाद। अब बात करते हैं हम इसके मीटर के बारे में। तो हमें मीटर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, और प्लेटिना में ऐसा देखने को मिल जाता है, और सिटी डीलक्स में हमें राउंड से शेप में देखने को मिल जाता है। और अब इसकी बात करें साइड मिरर के बारे में, तो साइड मिरर इसके कर्व से शेप में दिए गए हुए हैं, और सिटी डीलक्स में जैसे सिंपल से आते हैं वैसे ही नॉर्मल से दिए गए हुए हैं। प्लेटिना में कुछ स्टाइलिश सा लुक सा दिया गया हुआ है साइड मिरर के बारे में। तो भाइयों हम बात करते हैं इसकी बैक लाइट के बारे में। यहाँ पे बैक लाइट कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है, और प्लेटिना में हमें बैक लाइट कुछ ऐसी देखने को मिलती है। तो भाई हमें बैक में हमें मड गार्ड डिफरेंस देखने को मिल जाता है, इसमें राउंड सा है, और इसमें हमें फ्लैट देखने को मिल जाता है, और इसकी रिफ्लेक्टर लाइट हमें ऊपर देखने को मिल जाती है नंबर प्लेट के ऊपर, और यहाँ पे हमें नंबर प्लेट के नीचे दी गई हुई है रिफ्लेक्टर लाइट।